नमस्कार। आज हम भगवती जैन वर्मा के उपन्यासों के कथानकों का विस्तृत रूप से विवेचन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। निरंतर संघर्षों ने, रूढ़िग्रस्त मान्यताओं ने उपन्यासकार, कहानीकार, कवि भगवती जैन वर्मा को भाग्यवादी, नैतिकवादी बना दिया था। रंगों से मोह में संकलित आह्वान, चिंतन, मेरी पहचान, सपनों पर अधिकार, समर्थ राशि दान दो सदृश कविताओं में परिस्थितियों की प्रबलता और नियति की अतुलनीय शक्ति का अंकन हुआ है। इसी प्रकार से उनके उपन्यासों प्रश्न और मरीचिका, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत राम गोसाई तथा पतन में भी उनके नियतिवादी, भाग्यवादी, आस्थावादी विचार प्रतिबिंबित हैं। उनकी नियतिवादी विचारधारा अनास्था और अकर्मण्यता से ठीक विपरीत कर्म में आस्था रखती है। वर्मा जी की आस्था पुनर्जन्म में भी थी। इसी को वे क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत से जोड़कर देखते थे। टेढ़े मेढ़े रास्ते का रमानाथ तिवारी, रेखा उपन्यास में प्रभा शंकर, सामर्थ्य और सीमा उपन्यास में मेजर नाह सिंह, सभी नचावत राम गोसाई का जग्गा पात्र, ये सभी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और उसके प्रति अपनी आस्था अभिव्यक्त करते हैं। वर्मा जी के मतानुसार जीव मात्र अपने मनोजगत में विद्यमान प्रेम, दया, सहानुभूति पर दुख, कातरता इत्यादि सद्गुणों का विकास करके अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। वर्मा जी का भोगवादी दर्शन चारवाक के भोगवाद से भिन्न अपने में त्याग की भावना को समेटे हुए है। वर्मा जी हृदयगत भावनाओं को जी भरकर जीने के हिमायती थे। उनका भोगवाद अनैतिक, उच्छृंखल कहीं पर भी नहीं था। वे सड़ी गली मान्यताओं को, परंपराओं को पीछे छोड़कर व्यक्ति स्वातंत्र पर बल देते थे। उनका यह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण मनुष्य को वस्तुतः व्यापकता प्रदान करने वाला था। आज के वक्तव्य में हम उनके जिन उपन्यासों के कथानक पर विचार विमर्श करेंगे वे इस प्रकार हैं: रेखा, सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज चुंडा, थुप्पल एवं चाणक्य। रेखा उपन्यास 1964 में प्रकाशित होकर आया। उपन्यास में वर्मा जी ने मनुष्य की मूलभूत समस्या काम भावना को एक समस्या के रूप में उद्घाटित किया है। उन्होंने इस समस्या का केवल उद्घाटन किया है, इसके विषय में उन्होंने अपना कोई मत या समाधान देने का प्रयास नहीं किया। उपन्यास की नायिका रेखा पुरुषों को मात्र एक आकृति सदृश समझती है। वह चित्रलेखा उपन्यास की नायिका चित्रलेखा जो कुमार गिरी को अपने रूप के समक्ष से झुकाना अपना मूल उद्देश्य समझती थी, की भांति प्रोफेसर को झुकाना चाहती है। प्रारंभ का ये गुरु शिष्य संबंध कालांतर में दो विपरीत प्राणियों के मध्य का आकर्षण बन जाता है और वह उनसे विवाह कर लेती है। रेखा की मनोग्रंथि धीरे धीरे काम विकृति का रूप धारण करती है। वह अधेड़ पति प्रेम को पासी यौवन की संडास अनुभव करके शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए पर पुरुषों से संपर्क करने लगती है, जिसमें सोमेश्वर, शिवेंद्र, मेजर, यशवंत, शशिकांत, निरंजन, योगेंद्रनाथ सभी हैं जिनसे वे रागात्मक संबंध रखती है। कथा प्रवाह वहां अवरुद्ध होता है जब रेखा
प्रायश्चित स्वरूप एक व्यक्ति से अपना संबंध विच्छेद कर प्रभा शंकर के प्रति एक निष्ठ होने का निश्चय करती है। वह कहती है, एक भयानक द्वंद मचा है उसमें, भावना और बुद्धि का असह्य संघर्ष चल रहा था, जिसमें रेखा टूटती चली जा रही थी। कितने भले थे उसके पति, कितना विश्वास था उनका उसके ऊपर, और उनको उसने धोखा दिया। किस तरह वह उनसे अपनी बात कहे, किस तरह वह उनसे क्षमा मांगे और अपने पति से अपने विश्वासघात की बात कहकर उसे बहुत संभव है शांति मिल भी जाए, लेकिन क्या वह अपने देवता में एक भयानक अशांति न उत्पन्न कर देती? क्या अपने पाप की ज्वाला में अकेले उसका जलना काफी नहीं है? प्रभा शंकर को भी अपने पाप की ज्वाला में झोंक देना क्या इससे भी बड़ा पाप ना होगा? पर रेखा शीघ्र ही अपने संकल्प से डगमगा जाती है। प्रोफेसर प्रभा शंकर के विवाह होने पर कथा तीव्र गति से आगे बढ़ती चलती है। रेखा उन्हें असहाय देखकर दुखी होती है। ये मनुष्य कितना असहाय है, कितना निरीह है, कितना दयनीय है। रेखा को ऐसा लगा प्रभा शंकर का सारा अहम, उनकी समस्त हिंसा, ये सब नियति के एक झटके में टूट गए हैं। उसके सामने एक असमर्थ टूटा हुआ आदमी था। कभी कभी प्रोफेसर का स्वार्थ उसे योगेंद्रनाथ के साथ जाने के लिए बाध्य कर देता है, पर वह दयनीय निरीह प्रोफेसर को छोड़कर जा भी नहीं पाती। उसे लगता है कि वह प्रोफेसर से प्रेम करती है, किंतु डॉक्टर योगेंद्र मिश्र उसके अंतर्मन की ग्रंथि को सुलझा कर सत्य से उसका परिचय कराते हैं। तुम प्रोफेसर से प्रेम नहीं करती, उसके प्रति तुम्हारे अंदर एक ममता की भावना है, तुम्हारी आत्मा पर उनकी आत्मा छाई हुई है, लेकिन प्रेम यह तो नहीं है। प्रेम आत्मा और शरीर इन दोनों के समान भाव से एक दूसरे में लय होने की प्रक्रिया का नाम है। ऐसा नहीं है कि तुम यह जानती ना हो। ज्ञानवती को विवाह करने से रोकने के समय यह सत्य तुम्हारे सामने था, लेकिन अपने मामले में तुम स्वयं को धोखा दे रही हो। एक निष्ठा का ही अभाव रेखा में ही नहीं, अपितु प्रेमा शंकर प्रोफेसर में भी दिखाई देता है। दोनों में केवल अंतर यह है कि रेखा हर बार पर पुरुष से संबंध बनाने के उपरांत पश्चाताप से भर उठती है, पति के प्रति एकनिष्ठ होने का संकल्प करती है, वहीं आत्मकेंद्रित स्वार्थी प्रोफेसर अपने कृत्य को दार्शनिकता का रूप, दार्शनिकता का आवरण लेकर छिपाने में समर्थ हो जाता है और अपने को अपराध मुक्त कर लेता है। और देवकी को पाने के बाद उन्हें लगा कि स्त्री शरीर की भूख मिटाने की एक संज्ञा भर है। स्त्री के संबंध का कोई भावात्मक पक्ष भी है, यह वे ना जान सके। ना जाने कितनी स्त्रियां उनके जीवन में आई और चली गई, भावात्मक रूप से वह किसी के साथ नहीं बन सके। देवकी इस नियम का अपवाद थे, पर वे देवकी से नहीं चिपके थे, देवकी उनसे चिपक गई थी। इस ढंग से कि प्रभा शंकर को इस बात का अनुभव ही ना हो पाए। इस तरह से प्रोफेसर प्रभा शंकर अपने आप को पर स्त्री से रागात्मक संबंध स्थापित करने के बाद पश्चाताप से भरते नहीं हैं, अपितु एक आवरण ओढ़ लेते हैं। अपने इस कृत्य को, इस अपराध बोध को छुपाने के लिए वो अपने लिए तर्क, वितर्क, कुतर्क किसी का भी सहारा लेने से संकोच नहीं करती। जीवन की सांध्य बेला में
प्रोफेसर प्रभा शंकर रेखा से अपना आत्मविश्लेषण करते हुए कहते हैं, जहां तक मेरा सवाल है, शायद पुरुष का प्रेम वासना से ओतप्रोत होता है। मैं अपनी पार्श्विक भावना में अंधा हो गया था और मेरी इस पशुता का दंड मिल रहा है मुझे। आत्मा के धर्म के साथ शरीर का भी कोई धर्म है। अपने शरीर की भूख को तो मैं जानता था, लेकिन तुम्हारी शरीर की भी कोई भूख हो सकती है, यह मैं भूल गया था। उपन्यास का प्रत्येक पात्र एक मुखौटा लगाकर वस्तुतः दोहरा जीवन जी रहा था। सम्मानित सभ्य दिखने वाले ये पात्र आंतरिक रूप से चरित्रहीन हैं। उन्हें देखकर स्त्री पुरुष संबंधों के प्रति पाठक के मन में वितृष्णा भर उठती है। नियतिवादी दृष्टिकोण वर्मा जी की लेखन का अभिन्न अंग रहा है। उपन्यास के अंत में रेखा अपनी परिस्थितियों को नियति का विधान मानकर स्वीकार कर लेती है। वह कहती है, नियति ने जो मार्ग उसके लिए निर्धारित किया है, वे उसे नहीं हट सकेगी। उस नियति के विधान के प्रति आत्मसमर्पण उस घुटन उस कुंठा को प्राणों से हमेशा हमेशा के लिए चपटाए रखना, जिसको उसने वरण किया है, उसके अंदर अब सब कुछ बुझ गया है। एक अभेद्य और गहन अंधकार, इसी में उसे रहना है। भगवती चरण वर्मा का दूसरा उपन्यास सीधी सच्ची बातें हैं। ये उपन्यास भूले बिसरे चित्र तथा टेढ़े मेढ़े रास्ते की अगली कड़ी माना गया है, जिसमें त्रिपुरी कांग्रेस और महात्मा गांधी की मृत्यु तक की सारी घटनाओं को उपन्यासकार ने आधार बनाया है। ये सीधी सच्ची बातें हैं, तथ्यात्मक बातें हैं, अतः इनमें किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क करने की गुंजाइश शेष नहीं रहती। सभी नचावत राम गोसाई 1970 में प्रकाशित उपन्यास है। उपन्यास में यथार्थ का वर्णन व्यंजनात्मक मूलक ढंग से हुआ है। इस रचना में वर्मा जी ने नई अभिव्यक्ति कौशल और नई शैली को अपनाया है। प्रश्न और मरीचिका में भारतीय समाज की उथल पुथल के साथ ही जनता के मोहभंग की जो समस्या थी, जिस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात उसके सपनों का ध्वस्त होना, उसके अंदर एक बेचैनी का उत्पन्न होना, उसका मोह भंग होना, इन सब चीजों को वर्मा जी ने बखूबी अंकित किया है। प्रश्न और मरीचिका 1973 में ये उपन्यास चार खंडों में विभक्त है। इस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम सामाजिक द्वेषों को, विभाजन की त्रासदी को, नेहरू जिन्ना के मध्य सत्ता के लिए किए जाने वाले विभिन्न संघर्षों को, भ्रष्टाचार को, लोकतंत्र के नाम पर धोखे को, इन सब को यथार्थ रूप में लिपिबद्ध किया गया है। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय जनमानस में मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उनके जीवन मूल्य तेजी से बदल रहे थे। पुराने जीवन मूल्यों में उनका विश्वास खत्म होने लगा था। उन्होंने अपने लिए नए जीवन मूल्य गढ़ने शुरू कर दिए थे, किंतु इतनी जल्दी वे उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। भ्रष्ट नेता जनता को निरंतर मूर्ख बना रहे थे और मूर्ख बनाकर वोटों पर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। राजनीति का सजीव अंकन लेखक ने उस उपन्यास में किया है। उदाहरण स्वरूप, यह मतदान करने वाली जनता बेदिमाग, अनपढ़ और विचारों से भटकने वाले
लोगों का एक समुदाय भर है। ये जितने चुनाव हैं सिद्धांतों के लिए नहीं लड़े जाते, ये बेतहाशा रुपया खर्च होता है। इनमें वोट को खरीदने के लिए शराब भी पिलाई जाती है, कभी कभी लाठी और जूतों का भी सहारा लेना पड़ता है। मैंने भी यह सब किया है, तब जाकर कहीं मैंने चुनाव जीता है। युवराज चुना उपन्यास राजपूत कार्य से संबंधित उपन्यास है। इस उपन्यास में राजपूत घरानों में किस प्रकार से सती प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा के किस प्रकार से दुष्प्रभाव समाज पर पड़ते थे, इन सब से लेखक ने पाठकों का परिचय कराया है। चित्तौड़ नरेश राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज चुंडा के व्यक्तित्व को भी उपन्यासकार ने इस उपन्यास में लिपिबद्ध किया है। युवराज चुंडा के हठी स्वभाव के पीछे उनके प्रेम को भी इस उपन्यास में स्थान मिला है। भगवती चंद वर्मा का धुप्पल उपन्यास 1981 में लिखा गया। अपने इस नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार इस उपन्यास में वर्मा जी ने अपने निजी अनुभवों, अपने जीवन संघर्षों को अभिव्यक्त किया है। इसके एक वर्ष बाद उनका उपन्यास चाणक्य प्रकाश में आया। यह उनका जीवनी परक उपन्यास है, जिसमें विष्णुगुप्त मगध के पतन का कारण बनते हैं और किस प्रकार से मगध निरंतर पतन को प्राप्त होता है, इस बात की उन्होंने इस उपन्यास में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। वर्मा जी के उपन्यासों की नायिकाएं भी अपने पुरुष नायकों की तरह विभिन्नता लिए हुए हैं। प्राय ये नायिकाएं कुलीन हैं, विनम्र हैं, संस्कारों से युक्त हैं और चरित्रवान हैं। आज हम जिस नारी विमर्श की बात करते हैं, उस दृष्टि से बहुत पहले ही भगवती चंद वर्मा ने अपनी नायिकाओं को स्वतंत्र और अपनी अस्मिता के लिए आवाज उठाते दिखाया है। उदाहरण के लिए भूले बिसरे चित्र उपन्यास की विद्या को हम ले सकते हैं, या टेढ़े मेढ़े रास्ते की विद्या इसी प्रकार की नायिकाएं हैं जो अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए आवाज उठाती हैं। भगवती चंद वर्मा ने अपने उपन्यासों में लोक कथाओं को, लोक गीतों को भी स्थान दिया है, क्योंकि लोक कथाएं और लोकगीत किसी भी समाज का सजीव और यथार्थ चित्र हमारे सामने उपस्थित करते हैं। इनके चित्रण से वर्मा जी के उपन्यासों को सजीवता प्रदान हुई है। उस समय में रहने वाले लोग किस परंपराओं का निर्वाह करते थे, उनकी क्या मान्यताएं थी, क्या रीति रिवाज थे, क्या विश्वास थे, कौन कौन से अंधविश्वासों पर वे अपना जीवन चलाते थे, इन सभी की सौंधी सौंधी भीनी भीनी खुशबू हमें इन लोक कथाओं में, लोकगीतों में मिलती है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में वर्मा जी ने उस कथा का उल्लेख किया है जहां देवाधिदेव कैलाशपति शंकर भांग का सेवन करते हैं। जन जन में यह बात इतनी प्रचलित है कि लोग होली के अवसर पर भांग का सेवन ईश्वरीय प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी तरह से लोकगीतों के माध्यम से भी वर्मा जी ने अपने पात्रों की भावनाओं को अपने पाठकों के सामने व्यक्त किया है। फागुन के दिन चार बावले कर ले जी भर मौज, भूले बिसरे चित्र में इस प्रकार का चित्रण हमें मिलता है। वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में किंवदंतियों का भी भरपूर प्रयोग किया है।
अपने पहले उपन्यास पतन में अवध नवाब वाजिद अली शाह और उनके वजीर अली नकी का उन्होंने अंकन किया था। उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों का भी अपने उपन्यासों में अंकन किया है, जंतुओं को आधार बनाया है। नवाब साहब वाजिद अली शाह के व्यक्तित्व को उद्घाटित करने में उन्होंने इन जीव जंतुओं का प्रचुर मात्रा में प्रतीक रूप में प्रयोग किया है। जिन किंवदंतियों को वर्मा जी ने आधार बनाया, उनके विषय में उनका अभिमत है कि किंवदंतियां आदि पूर्व रूप से सच्ची नहीं होती, तो वे बिल्कुल झूठी भी नहीं है। उनके प्रचार में यदि कल्पना और मिथ्या का बड़ा हाथ होता है तो वे सत्य पर निर्धारित भी होती हैं। पतन उपन्यास में नवाब के व्यक्तित्व को उभारने के लिए उन्होंने कतिपय किंवदंतियों का अवलंब लिया है। पात्रों को कथान तक बांधे रखने के लिए उपन्यासकार ने कहानियों के माध्यम से अपनी बातों को सजीव बनाया है। इस उपन्यास के 12वें परिच्छेद में उन्होंने राजा ययाति द्वारा जाजमऊ के किले निर्माण के विषय में तत्कालीन समाज में प्रसिद्ध जनश्रुति का उल्लेख किया है। वर्मा जी के उपन्यासों में पात्रों की भाषा, उनके परिवेश, उनकी शिक्षा और उनके स्तर के अनुरूप हमें दिखाई देती है। ग्रामीण पात्रों की भाषा में जहां लोक भाषा की झांकी मिलती है, तो वहीं हिंदू पात्र संस्कृत तत्सम बहुल शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मुस्लिम पात्र उर्दू पात्रों के शब्दों में अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं। इसके विपरीत मुहावरों और लोकोक्तियों का भी उन्होंने यथास्थान प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्मा जी के उपन्यास विविध कथानकों को अपने में समेटे हुए हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम उनके लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा के विषय में गंभीर और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।